काय की रसम, नमाज की रसम, रोजे की रसम, हज की रसम, रीत जकात की रीत, हाँ। और ध्यान कोई ना हो, हाँ। पर रसम की तरह चल रहे हो तो उसमें क्या असर पड़ेगा? तो बिल्कुल वो तो फिर परंपरा है कि हम परंपरा कर रहे हैं पूरी। ज़्यादातर ऐसी मुसलमान इंसान ऐसी जात है, मुसलमान और मत जो इंसान ऐसी जात है वो हिंदू सही मतलब कोई सही जब सब आ जाता जो मैं ऐसे वाक बनाऊंगा। एक चीज़ थोड़ी सी और समझे जरा कि दाढ़ी है, टोपी है, लंबा कुर्ता पजामा है और बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं बाहर से रूप। दुनिया देखती है बाहर से, ईश्वर देखता है अंदर से। सही बात। जब वो नमाज पढ़ के निकल के आया तो लोग कह रहे पक्का नमाजी, हाँ, लंबा कुर्ता, टोपी चौड़ी, लंबी दाढ़ी, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। नमाज पढ़ के निकला बड़ा पक्का नमाजी। हिंदुओं को देखेगा तिलक लगा लेंगे, मेहंदी पूरे माथे कर लेंगे, हाँ। और राधे श्याम और सीता राम को गमछा ऊपर डाल लेंगे भैया, पक्का ज्ञानी, तमाम माला लगा लेंगे नार में, हाँ। भैया की तो पक्का पुजारी है, हाँ, हाँ। और बड़े ठगे, बड़े महाठग बन चुके, हाँ। अब समझ रहे बात मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो निकला, दुनिया देख रही है शरीर को, ढांचे को ऊपर से, लोग कह रहे हैं पक्का नमाजी, अंदर दिल में गंदगी भरी है और नीयत है टेढ़ी, अल्लाह की नज़रों में एक धैर्य का नमाजी नहीं है वो। सही बात है, बिल्कुल सही। तो हमें अपने अंदर से बदलना है, अंदर से, ये मेरा कहना है लोगों से, अंदर से बदलो। ये रस्म, ये रीति रिवाज, ये परंपरा छोड़ो। मुसलमानों में पैदा हो गए, हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी, भाई ध्यान दो, अल्लाह ने ध्यान मांगा है उसकी तरफ ध्यान। ये क्या कर, ये हार्ड मास का माथा झुक गया और अंदर से मन ना झुका, ये क्या है भाई? सर झुकाया सज्जे में, ध्यान लगाया दुकानों में। तुम्हारी ये दो बात बहुत अच्छी है लास्ट में जो आई कि हमें अपने को अंदर से बदलना होता है और अल्लाह की तरफ ध्यान दो। ईमान अंदर की चीज़ है, ईमान अंदर की चीज़ है, और हम बाहर से भटक रहे हैं अंदर। और जब हम उल्टा काम कर रहे हैं, बाहर से बन रहे भले और अंदर से गंदे, अंदर से गंदे, हम उल्टा काम कर रहे हैं जो है। बिल्कुल। तो हमें ध्यान करना चाहिए, हम रूखे सूखे कैसे भी यार, रोटी मिले या ना मिले, हमें सारी दौलत। अरे मेरे सिकंदर बादशाह की एक बात पढ़ी यार जो है, सिकंदर बादशाह जब अखीर में ख़त्म भयो जो है तो उसने ये आदेश करो भाई बादशाह को, ताना साहब ये बड़े ताना साहब हैं, सिकंदर है, तैमूर लंग है और एक जो है हिटलर, इतने ताना साहब हैं। तो सिकंदर ने तो ये सोची कर मैं दुनिया को खजाना इकट्ठा कर लूँगा तो फिर तो मैं ही अल्लाह आ जाऊँगा, मुझे बड़ा कौन होगा जो है। लेकिन जब मौत आई हुआ की और कांप को जो है कि यार मुझे तो बहुत काम करने है, अब तो मेरे शरीर जो है, जब मेरे हकीम डॉक्टर बैदन ने मना कर दी तो मुँह तो मरना ही है जो है। मैंने इतनी दौलत कमाई सारी, ये दौलत काम आ रही जो है। डॉक्टर बोले सरकार दौलत का थोड़े काम करेगी, दौलत तो काम मतलब तुम्हारी बीमारी से या मौत से बचने को न बचने को। अच्छा यार इतना बुद्धू आदमी यार जो है, तुम्हारा ये सारी इस दौलत को निकाल के मेरे खजाने में से और मेरे घर से और कब्रिस्तान पर बिछा दो रास्ता में सब लुटे काम और मेरे हाथ बाहर निकाल दो जनाजे से जो है। दुनिया देखे कि सिकंदर कुछ ना लगे, दौलत का मतलब ना सारी मिट्टी है यहीं छोड़ दी। और आज के लोग दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई हमें तो दौलत मिले ना मिले, रूखे सूखे कैसे मिले भाई, हमें अपने को बदलना। ये बात भाई बहुत अच्छी है। ऊपर एक बात मुझे याद आ गई आपने जो कही है, क्या इंसान से कहा जा रहा है, याद कर सिकंदर के हौसले को आली से, जब गया था दुनिया से धन आली से, अब ना उसके हाथी है और ना वो हलाकू है, ताकतवर है, अब ना उसके हाथी है और ना वो हलाकू है और ना उसके जंगो जुओं, जो जंग थी उसकी जो सेना थी, अब ना उसके हाथी है और ना वो हलाकू है, जंगो जुओं चौरस है और ना उसके, कुछ ऐसी शब्द है। तो मौत ने जमाने को ये अंजाम दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम पहलवान को खाक में मिला डाला, मौत सबको आनी है कौन इससे छूटा है, ए इंसान तू फना नहीं होगा ये ख्याल तेरा झूठा है। तो तू मन में जो ख्याल लिए घुमरा मुझे मरना नहीं है, तुझे फना होना है, मरना है, और ये सब तेरे जो ये घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, ये सब है तेरे, ये सब तेरे साथी हैं और ये बराती हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये सब साथ, सब तेरे जो है बराती हैं, चार से बयान किया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है, हकीकतन
वही बात आ रही है कि इंसान, ये तो बहुत बादशाहों ने कोशिश करी है, इतनी लूटपाट करी है, इतनी दौलत इकट्ठी करी है, इतने मजे का इंतजाम करे, हमारी मौत आएगी एक दिन, हमें मरना होए। ये कौन कह रहा है? ये शैतान कह रहा है यार, ये हमारी अज्ञानता जो है। तुम अपने को समझ ले, पहचान ले कि मैं कौन हूँ। तुम मन से पार आ जाओगे तो फिर कहोगे मेरी मौत ही ना है कभी। जो भाई एक मौत तो होता है शरीर की, दूसरी मौत होता है मन की। शरीर की मौत, मन की मौत कहाँ होती है? मन भी मर जाता है ना, मन के पार जाना मन की मौत ही है। हाँ दुनिया में तो आप मन की मौत कर सकते हैं, दुनिया की तो बात करूँ। हाँ दुनिया में एक मौत, एक महामौत बड़ी मौत। तो शरीर की मौत छोटी मौत है, मन की मौत बहुत बड़ी मौत है। जो है क्योंकि मन ही तो परेशान कर रहा है, इसी को तो जीतना हो, इसी को तो मारना हो। जो है ये मन शरीर की, शरीर की मौत से पहले होगी मन की मौत फिर। शरीर की मौत से पहले है मन की मौत। जो भी कुछ करना है शरीर के द्वारा ही करना है, शरीर में रहते हुए करना है। शरीर छूटा फिर कुछ ना कर पाएंगे। वो तो है, जब तक शरीर है इम्तहान है हमारा, फिर इम्तहान खत्म। जब तक शरीर है तब तक कर लेंगे, फिर ना कुछ कर पाएंगे। ये साधन है एक, जो है ये साधन है भैया, जो साधन है इम्तिहान का, ईश्वर का दिया हुआ साधन है। तो मैं तब कर लिया। हाँ तो बात वो चल रही जो है बाकी यूसीसी की, तो वो सवाल करो तो